जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। राष्ट्रीय महिला जाट महासभा की तरफ से एक तीज मेले का आयोजन किया गया था गुरुग्राम सेक्टर 27 कम्युनिटी सेंटर के अंदर, जो कि रमा रानी राठी पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 34 हैं उनके द्वारा। इस तीज मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे और शहर ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी इस तीज मेले का उत्सव देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। बताना चाहेंगे इस तीज मेले के अंदर सावन के झूले, फूड स्टॉल, डांस, कॉमेडी, गीत और इसके साथ ही लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें कि सैकड़ों पौधे लोगों को फ्री में दिए गए थे। बताया जा रहा है कि इस जगह पर आकर के लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन उन्होंने पहले नहीं देखा, जिस तरह का आयोजन यहाँ पर रमा रानी राठी ने किया हुआ है। साथ ही उन्होंने रमा रानी राठी के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भी कहा कि उनके कार्यों की बदौलत ही उन्हें पार्षद चुना गया था और दोबारा से वह जब चुनाव लड़ेंगी इस बार तो फिर से उन्हें पार्षद बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंदर लोगों ने जमकर मस्ती की। देखिए एक खास खबर हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले पूरे देशवासियों को तीज के महत्व के बारे में थोड़ा बताएं। तीज भारतवर्ष में हर एक जगहों पर तीज मनाई जाती है, राजस्थान में भी मनाई है और हम यहाँ बात करेंगे तो हरियाणा का उसके बारे में करेंगे, तो जो कि आज हमने यहाँ हम मना रहे हैं वैसे वास्तव में तीज आगे आने वाले दिनों में आ रही है, पर उस समय क्योंकि सब लोग बिजी होते हैं तो हमने उससे पहले का समय रखा है। तो तीज पे कुछ लोग जो हैं व्रत रखते हैं, माना जाता है कि ये पति की दीर्घायु के लिए होता है, मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, झूले झूलती हैं और तीज से कुछ समय पहले ही कोटली आती है जिसमें कि जो उनके पीहर वाले होते हैं वो अपने बेटी के ससुराल में जो है वो घेवर और इस तरह की मिठाइयाँ और कपड़े वगैरह उनको गिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से आप हर साल तीज का त्यौहार मनाते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंचती हैं और इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची। एक तो ये आप कैसे कर पाती हैं और दूसरा ये बताइए इस बार आपने नया क्या क्या किया? देखिए तीज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम कई सालों से बना रहे हैं। हमारी एक राष्ट्रीय महिला जाट न्यूज टीम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RMJM के नाम से बोलते हैं, तो वो और हमारी जो पूरी टीम है तो पहले हम अंदर ही अंदर मना लेते थे, फिर हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा बड़े उस पर लेवल पे करें ताकि गुड़गांव जैसी मिलेनियम सिटी में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि तीज का भी कोई त्यौहार होता है। तो और अब आपने देखा होगा जब से हमने मनाना शुरू किया तो गुड़गांव में एक लहर आ गई है तीज मनाने की, तो हमने अब ये थोड़े से बड़े उसमें मनानी शुरू कर दी है और बनाते कैसे हैं ये आपको पता ही, आप हर बार मिलते हैं हमसे। यहाँ पर कहाँ से आपके यहाँ मेले में आते हैं? देखिए ये तो आप पूछिए ही मत, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे क्योंकि आज भी हमारे यहाँ करनाल से, पानीपत से, फरीदाबाद से, रिवाड़ी से और दिल्ली से, मतलब बहुत डिफरेंट जगह से, नॉट ओनली गुड़गांव, और गुड़गांव में भी हमने इसके बैनर जो है DLF से लेके ओल्ड गुड़गांव तक लगवाए हैं और सबके पास मैसेज भेजा है हमने और उसका आप ये देख रहे हो कि सुबह से कम हजारों लोग तो आके जा चुके हैं और हजारों अभी चल रहे हैं। हाँ इस बार भी विदेशी मेहमान हमारे हैं और वो इंटरनेशनल लेवल के कुछ लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, हमारे मेहमान हैं वो, तो बहुत अच्छे से ये मनता है। देखिए हम एड ऑन करते रहते हैं, जैसे पिछली बार हमारे पास ये बच्चों के लिए झूले नहीं थे, थोड़ा सा आप दिखा दीजिए कैमरे से, तो ये झूले जो हैं पिछली बार नहीं थे। दूसरा ना इस बार ये जो निशाने लगा रहे हैं तो ये नहीं था, झूला तो हमारे लास्ट टाइम भी था। इसके साथ साथ इस बार हमने प्लांटेशन की भी एक ड्राइव की है ताकि ग्रीन गुड़गांव का मैसेज हम यहाँ सबको दे सकें और साथ ही प्लास्टिक का यूज कम हो, इसके लिए हमने सब लोगों को थैले भी बांटे हैं। 300 करके करीब प्लांट तो हम बांट चुके हैं और बाकी के प्लांट हम बांटेंगे और जितने भी लोग आते रहेंगे उनको, तो नई चीज़ें इस तरह से ऐड करके एक अवेयरनेस का संदेश भी तीज के साथ साथ। और अच्छी बात यह है कि अभी हम क्योंकि ये नज़दीक 15 अगस्त आ रहा है तो 15 अगस्त का भी संदेश इसमें हम दे रहे हैं, भाईचारे का संदेश,
तो मराठी मीडियम शुभकामना हमारे साथ हो, आगे आप हर सब्जेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पर हमें मिले और इसको कार्यक्रम को और भेजे।